जब भी कोई नया रिश्ता बनता है तो एक नई शुरुआत होती है और हमारी जिंदगी की भी एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अचानक से चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। वो प्यार भरे लहजे के साथ युग से फिर बोल पड़ती है, युग बेटा, शादी के बंधन में बंधने के बाद अनुराग और मैं एक साथ रहने लगे, और जब हम दोनों का मिलन हुआ तो जैसा कि मिस्टर स्टीफन ने मुझसे कहा था कि वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद मेरा यौवन वापस आ जाएगा, वही हुआ भी था। सुहागरात की अगली सुबह ही मेरे चेहरे की झुर्रियां जा चुकी थी, मेरे बाल भी सफेद से काले हो गए थे और तो और मेरा यौवन भी वापस आ गया था। मैं बहुत खुश थी। मेरे खुश होने के कई कारण थे। पहला तो ये कि मुझे मेरा यौवन वापस मिल चुका था, और दूसरा ये कि मुझे अनुराग भी मिल चुका था। वो अनुराग जिससे मैं प्रेम किया करती थी वो अब मेरा हो चुका था। अनुराग भी मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत केयर करता था। किताब पढ़ने और कहानी लिखने से ज्यादा वक्त वो मेरे साथ बिताया करता था, ताकि मुझे ये न लगे कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता। हम दोनों हमारी दुनिया में बहुत खुश थे, हमें हमारा सपनों का जहान मिल गया था। पर कहते हैं ना, खुशियाँ एक जगह पर ज्यादा देर टिकती नहीं है। जिंदगी में एक पल के लिए खुशियाँ हैं तो अगले ही पल दुख भी है जो आपका इंतजार कर रहा होता है। चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से बदलने लग जाते हैं और वो कुछ मायूसी के साथ युग से कहती है, एक बात थी जो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी युग बेटा, और वो ये थी कि जब भी अमावस्या और पूर्णिमा की रात आती थी, अनुराग हर बार आधी रात में नींद में यक्षिणी का नाम बड़बड़ाता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर अनुराग यक्षिणी का नाम क्यों बड़बड़ाया करता है। जब वो यहाँ दिल्ली में मेरे साथ है तो उसका फिर यक्षिणी से क्या लेना देना। अगली सुबह जब मैं अनुराग से इस बारे में पूछा करती तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर आखिर था क्या, क्यों वो यक्षिणी का नाम नींद में बड़बड़ाया करता था। मैं इस बारे में कुछ पता लगा पाती उससे पहले ही जिंदगी में और भी परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। चित्रा मायूसी के साथ युग से कहती है, युग बेटा, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार से जिंदगी हसीन तो होती है, पर जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और वो सारी जरूरतें सिर्फ पैसों से पूरी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनुराग और मैंने हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने अपने काम चुन लिए थे। मैंने पेंटिंग के ऑर्डर लेने फिर से शुरू कर दिए थे, और अनुराग ने भी अपनी पहली किताब जो अधूरी रह गई थी उसे फिर से लिखना शुरू कर दिया था। मैं दिन भर पेंटिंग किया करती थी तो अनुराग दिन भर कहानियां लिखा करता था। मुझे तो मेरी पेंटिंग सेल करके पैसे मिल जाया करते थे, पर अनुराग जो किताब लिखने में लगा हुआ था उसकी अभी कोई इनकम नहीं थी। पर मुझे पूरा भरोसा था कि अनुराग एक ना एक दिन बड़ा लेखक जरूर बनेगा, जो उसका सपना था। युग चित्रा की सारी बातें बड़ी शांति के साथ सुनते रहता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, अनुराग को काफी वक्त लगा था अपनी पहली किताब लिखने में, पर जितना ज्यादा वक्त उसे वो किताब लिखने में लगा था उससे ज्यादा वक्त उसे वो किताब पब्लिश कराने में लग गया था। कोई पब्लिशर उसकी लिखी किताब पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कई पब्लिशर के ऑफिस के चक्कर काट चुका था, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगी थी। पर मैंने सोच लिया था, मुझसे अनुराग की जो मदद हो सकेगी वो मैं करूंगी। और फिर एक पेंटिंग एग्जीबिशन में मेरी मुलाकात राजनाथ से हुई थी, जो कि एक पब्लिशर थे। मैंने ही अनुराग की उनके साथ मीटिंग फिक्स कराई थी, पर वहाँ पर भी बात नहीं बनी थी। पर फिर अनुराग को एक सेल्फ पब्लिशिंग हाउस के बारे में पता चला, जहाँ पर किताब पब्लिश कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने ही अनुराग को पैसे दिए थे। अनुराग तो वो पैसे ले ही नहीं रहा था, फिर मैंने ही जबरदस्ती उसे अपने पैसे दिए थे। कैसे ना देती, अगर एक पति के कमाए हुए पैसों पर उसकी पत्नी का हक होता है तो क्या फिर एक पत्नी के कमाए हुए पैसों पर उसके पति का हक नहीं हो सकता। चित्रा और ज्यादा मायूसी के साथ कहती है, किताब तो जैसे तैसे करके पब्लिश हो गई थी, पर अनुराग की पहली किताब बिल्कुल नहीं चली थी। उसकी मुश्किल से बस एक कॉपी बिकी थी। अनुराग टूट चुका था, पर मैं उसे ऐसे टूटे हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे उसकी दूसरी किताब लिखने के लिए फोर्स किया। उसे समझाया कि सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। उसे हौसला देते हुए मैंने खुद कहा था उससे कि इस बार मैं भी उसका साथ दूंगी, किताब की मार्केटिंग करने में मदद करूंगी, और तो और उसकी किताब का कवर भी मैं ही बनाऊंगी। अनुराग मेरी बात मान गया, और जैसा हमने सोचा था हमने वही किया। अनुराग की दूसरी किताब भी सेल्फ पब्लिश थी। इस बार हमने कुछ पैसे किताब की मार्केटिंग पर भी खर्च किए थे। किताब की इतनी ज्यादा मार्केटिंग की थी कि एक महीने में ही उसकी 100 से ज्यादा कॉपी बिक चुकी थी। अनुराग इस बात से बहुत खुश था, और अनुराग खुश था तो मैं भी खुश थी। आखिर अनुराग की खुशी में ही तो मेरी भी खुशी थी। वो मेरा सब कुछ था, मेरी दुनिया भी। इतना कहकर चित्रा मुस्कुराने लग जाती है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, दूसरी किताब की इस छोटी सी सक्सेस के साथ अनुराग अपनी तीसरी किताब की तैयारी में लग गया था। मैं भी ये जानकर खुश थी कि अनुराग ने एक और किताब की तैयारी शुरू कर दी थी। तीसरी किताब कंप्लीट करने के बाद अनुराग को लगा था कि इस बार उसे कोई ना कोई ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस जरूर मिल जाएगा जो उसकी किताब पब्लिश करेगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है।
अनुराग को कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं मिला और फिर आखिर में अनुराग को अपनी तीसरी किताब भी सेल्फ पब्लिश ही करानी पड़ी। पर इस बार अनुराग ने किताब की मार्केटिंग में पैसे देने से मना कर दिया था। उसे लगा था कि जिस तरह दूसरी किताब चली है, तीसरी किताब उसके नाम से ही बिक जाएगी। पर शायद अनुराग भूल चुका था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाम रातों रात नहीं बन जाता है, उसके लिए कई रात मेहनत करनी पड़ती है। चित्रा एक लंबी आह भरने के बाद कहती है, अनुराग ने जैसा सोचा था इस बार उसकी उम्मीद से पूरा उल्टा ही हुआ। उसकी तीसरी किताब की एक कॉपी तक नहीं बिकी। अनुराग ने 3-4 महीने तक इंतजार किया। उसे लगा आज नहीं तो कल उसकी तीसरी किताब की एक कॉपी तो बिकेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तीसरी किताब के न बिकने के कारण अनुराग बहुत डिप्रेशन में चला गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहां पर लिखने में गलती हो रही थी, क्योंकि पाठकों को उसका लिखा पसंद नहीं आ रहा था। अनुराग अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वो इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने तो लिखना ही बंद कर दिया था। लिखना बंद किया, किताबें पढ़ने तक बंद कर दी थी। बस दिन भर मायूस सा चेहरा लेकर अपने कमरे में बैठा रहता था। मैं अनुराग को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर मैं उसे ऐसे कैसे टूटने देती? आखिर वही तो मेरी ताकत था। अगर वो टूट जाता तो मेरा क्या होता? मैंने अनुराग को बहुत समझाया, उसे उसकी चौथी नॉवेल लिखने के लिए कहा, पर वो माना नहीं। वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं समझ गई थी कि अनुराग कुछ ज्यादा ही टूट चुका था। वो मेरी बात नहीं मानने वाला था। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, और फिर मुझे एक तरकीब सूझी। चित्रा उस बात को याद करते हुए युग से कहती है, एक लेखक के अंदर फिर से लिखने की इच्छा उसके पाठक ही जागृत कर सकते हैं, और मैंने भी वही किया। मैंने अनुराग को एक पत्र लिखा। मुझे पता था अनुराग की जो 3 किताबें थी उसकी क्या स्टोरी थी। मैंने उन्हीं 3 किताबों पर पत्र लिखा, अनुराग के लेखन की खूब तारीफ की, और वैसे भी वो तारीफ सच्ची थी, मेरे प्यार की तरह। अनुराग वाकई काफी अच्छा लिखा करता था। मैंने जैसे तैसे करके वो पत्र पोस्ट कर उस तक पहुंचा दिया, और पत्र के नीचे अपना नाम भी नहीं लिखा ताकि अनुराग को कुछ पता न चले। जब अनुराग ने वो पत्र पढ़ा तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सिर्फ उस एक पत्र ने अनुराग के अंदर वापस से लिखने का जुनून भर दिया था, एक नई उम्मीद जगा दी थी, और उस पत्र को पढ़ने के बाद ही अनुराग अपनी चौथी नॉवेल की तैयारी में लग गया था। चित्रा कुछ और मायूस होते हुए नाराजगी के साथ कहती है, अनुराग तो अपनी चौथी नॉवेल की तैयारी में लग गया था, पर मेरी पेंटिंग का काम मंदा पड़ने लग गया था। बाजार में डिजिटल कैमरा जो आ गया था, लोगों को पेंटर से अपनी तस्वीर बनाने की जगह कैमरे से फोटो खिंचवाना पसंद आने लग गया था। पेंटिंग एग्जीबिशन भी तो कम लगती ही थी, साथ में मेरी पेंटिंग्स बिकना कम होने लग गई थी। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि मैं घर का और अनुराग का खर्चा कैसे उठाऊंगी, पर मैंने अनुराग को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। मैंने अनुराग को उसकी किताब लिखने में लगे रहने दिया। जैसे तैसे जिंदगी संघर्ष करते हुए कंगाली में गुजर ही रही थी कि फिर हमें एक ऐसी खबर के बारे में पता चला जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। आंसू की बूंद के अंदर चित्रा का जो चेहरा नजर आ रहा था वो एकटक नजर से युग को देखने लग जाती है। युग भी एकटक नजर से चित्रा को देखने लग जाता है। चित्रा युग पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उससे कहती है, वो खबर तुम थे युग बेटा, मेरी कोख में तुम थे। जब हमें ये खबर पता चली तो अनुराग और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वैसे तो हम उस वक्त तुम्हारे लिए तैयार नहीं थे, पर तुम मेरी कोख में आ चुके थे और तुम ईश्वर का तोहफा थे हमारे लिए। फिर तुम्हें हम कैसे ना अपनाते, इसलिए मैंने और अनुराग ने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। जब से अनुराग को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अनुराग मेरी और ज्यादा फिक्र और ख्याल रखने लग गया था। वो मुझे ज्यादा काम तक नहीं करने देता था, अब अपने काम खुद कर लिया करता था। अनुराग तो बहुत खुश था, पर मुझे एक फिक्र सताते रहती थी, तुम्हारे भविष्य की फिक्र युग बेटा। चित्रा एक नम लहजे के साथ कहती है, तुम्हें मेरी कोख में आए हुए 4 महीने हो गए थे, और अनुराग ने भी चौथी नॉवेल लिखकर पूरी कर दी थी। पर नॉवेल लिखने के बाद प्रॉब्लम वही थी, नॉवेल पब्लिश करने की प्रॉब्लम। जिस तरह अनुराग की तीसरी नॉवेल फ्लॉप हुई थी, उससे वो समझ गया था कि वो ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जा तक नहीं सकता था। और फिर उसके पास एक आखिरी रास्ता था, किताब को सेल्फ पब्लिश कराने का। पर किताब को सेल्फ पब्लिश कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और हर बार की तरह इस बार भी अनुराग एक उम्मीद के साथ मेरे पास ही आया था। पर मैंने मेरे पास पैसे होने के बावजूद उसे पैसे नहीं दिए। उससे झूठ बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर उसे पता था कि मेरे अकाउंट में पैसे थे। इसी बात पर हमारी बहुत बड़ी बहस चली थी। मैंने जानबूझकर अनुराग से झूठ बोला। वो मुझसे पूछता रह गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैंने उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। जानते हो युग बेटा, मैंने अनुराग को पैसे क्यों नहीं दिए थे, क्यों उससे झूठ बोला था। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। युग एकटक चित्रा की तरफ ही देखते रहता है। उसे याद आता है कि उस कहानी में भी नहीं लिखा हुआ था कि चित्रा ने आखिर अनुराग को पैसे होने के बावजूद भी पैसे क्यों नहीं दिए थे। चित्रा रोते हुए युग से कहती है,
मैंने तुम्हारे लिए अनुराग को पैसे नहीं दिए थे युग बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अनुराग की चौथी नॉवल भी नहीं चलेगी, बाकी नॉवल की तरह ठप पड़ जाएगी। और मेरी कोक में उस वक्त तुम थे, मेरे ऑपरेशन में भी तो पैसा लगना ही था ना, फिर मैं कहाँ से पैसे लाती। और मेरी पेंटिंग तो वैसे भी बिकनी कम हो गई थी, मेरे पास जो बाकी की सेविंग बची हुई थी वो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी ताकि तुम्हारी देखरेख सही से कर सकूं और आगे हॉस्पिटल का जो खर्चा आए वो निकल जाए। युग खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा रोते हुए युग से कहती है, अनुराग ने कभी मुझे समझ पाया न कभी मेरी परेशानियों को। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला होगा। उसे तो बस ये दिख रहा था कि मैंने उसे किताब पब्लिश कराने के लिए पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी युग बेटा उस वक्त, अपने परिवार के बारे में, पर अनुराग था कि वो बस अपने बारे में सोच रहा था, अपने सपने के बारे में सोच रहा था। पर मेरे सपनों का क्या, मैं थोड़ी जिंदगी भर पेंटिंग करते रहना चाहती थी। मैं तो एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह अपने बच्चे और अपने परिवार को संभालना चाहती थी, पर अनुराग की वजह से मुझे हर वक्त पेंटिंग करते रहना पड़ा, अपनी प्रेगनेंसी के वक्त में भी। अक्सर छोटे छोटे मनमुटाव से ही बड़े बड़े मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे बीच भी इसी बात को लेकर कई बड़े बड़े मनमुटाव होने लग गए थे। वो प्यार जो हमारे बीच था वो खत्म होने लग गया था। अब ना अनुराग मेरी फीलिंग समझ पाता था ना मैं अनुराग की। हम दोनों के बीच तो अब बात भी ठीक से नहीं होती थी। पहले जो अनुराग का लेखन मेरे मन को भाता था वो अब मुझे खलने लग गया था, क्योंकि मुझे कुछ सालों में ही पता चल गया था कि लिखने से कुछ नहीं होने वाला था। उस लिखने से वो ना अपना पेट भर सकता था ना हमारा। मैंने अनुराग से कई बार बोला कि वो ये लिखना छोड़कर कोई सी नौकरी कर ले, आखिर हमें हमारा घर बसाना है, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो अपनी कहानियों में ही घुसे रहा। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। अचानक से चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से बदलने लग जाते हैं। चित्रा कुछ घबराते हुए कहती है, प्रेगनेंसी के दौरान ही मैंने अनुराग का बदलता हुआ रूप देखा, वो रूप जो मैं कभी नहीं देखना चाहती थी, जिस चीज से मैं शुरू से ही डरी हुई थी वो सच होने लग गई थी। मुझे अनुराग के अंदर भक्षानर के गुण नजर आने लग गए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।